अरे सर सर, आपका किसी ने रोस्ट किया है। क्या बात कर रहा है यार, रियल स्टेट में कब से रोस्टिंग होनी शुरू हो गई? अरे वो है ना, एस्ट्रोलॉजर, मैरिटल काउंसलर, फिलोसोफर है, मूवी रिव्यूअर है, और कभी कभी रियल स्टेट की भी वीडियोस बनाते हैं। अच्छा, तो तू उनकी बात कर रहा है, नंबर वन क्लैरिटी गिवर, सास बहू और साजिश, ग्रहों के चाल, नक्षत्रों के चाल। तो ये सारी चीजों के बारे में बात करने वाले हमारे प्रिय अंकल जी। सो हमने क्या देखा, इतना ज्ञान, इतनी वीडियोस आपके, इतने सारे चैनल्स। पहली बात तो ये, ज्ञान लाते कहाँ से हो अंकल जी? फिर दूसरी बात, आपने बोला कि रियल एस्टेट मार्केट को पूरा आपने गाइड किया है। मुझे तो कभी कभी लगता है जो रेरा की गाइडलाइंस है उसने आपसे गाइडेंस सुनी ली। तो सबसे बड़ी बात आती है, आज हमारे कंपैरिजन वीडियो पे आपने डायरेक्टली बोला कि यार आज के बाद गुड़गांव रियल एस्टेट मार्केट में कोई कंपैरिजन नहीं करेगा, कंपैरिजन तो होगा और फुल स्टॉप नहीं लगने वाला अंकल जी। तो आज बात करेंगे वीडियो में बहुत आराम से, बहुत कामली आपके बारे में, आपके सारे के सारे जितने 4-5-10 पॉइंट अभी मैंने इकट्ठे की कोशिश की है, 2-4-5 पॉइंट के बारे में बात करूंगा, ज़्यादा लंबा नहीं खींचूंगा। अगर उसके बाद भी कोई ज़रूरत पड़े तो फिर दोबारा आराम से वीडियो बनाएंगे। तो सबसे पहले बात करते हैं हम, आज जो हमने वीडियो बनाई उसमें आपने सबसे पहला पॉइंट छेड़ा, यार ये हाई मॉरल ग्राउंड क्या है, हाई मॉरल ग्राउंड की क्या बातें करते हो यार, बेचो यार, कह रहे हो कि ये खरीदो और ये बेचो। तो मुझे एक बात बताओ सर, रियल एस्टेट में क्या हाई मॉरल ग्राउंड की वैल्यू नहीं है? आज क्यों आप हॉनेस्टी नहीं चाहिए, आज फेयरनेस नहीं चाहिए, आज आपको एथिकल बिजनेस नहीं चाहिए, आज कहीं ना कहीं कॉपरेशन नहीं चाहिए? तो हाई मॉरल ग्राउंड की बात करने का मतलब क्या है, आज हाई मॉरल ग्राउंड चाहिए रियल एस्टेट में। अगर हम बात भी कर रहे हैं ना सर, वी आर ट्राइंग आवर लेवल बेस्ट कि ये कैसे भी करके ये चीज़ हाई मॉरल ग्राउंड की आए। फिर दूसरा पॉइंट आपने छेड़ा कि यार दो अलग प्रोजेक्ट हैं, इनको कंपैरिजन कैसे कर लोगे? ये बड़ा अच्छा पॉइंट लगा और आपके तरीके से ही मैं ये पूरी चीज़ समझाऊंगा। आपने बोला एक प्रोजेक्ट है, एक मूवी है रोम कॉम, एक मूवी है एक्शन, आप इन दोनों को कंपेयर कैसे कर लोगे? फिर आप कहते हो एक मूवी है DDLJY, एक मूवी है आपकी पठान, एक्टर सेम है, इन दोनों को कंपेयर कैसे कर लोगे? फिर आप एक और एग्जांपल देते हो, एक मूवी है इंडिया की फाइटर और दूसरी मूवी है आपकी टॉप गन, इसको तो ज़रूर कंपेयर कर सकते हो। तो मैं आपको सर बता देता हूँ, फॉर योर काइंड इन्फॉर्मेशन, शायद आपके पास मेरे उम्र बराबर एक्सपीरियंस हो, बट सर आज कंपैरिजन ना अंडमान निकोबार का और लक्षद्वीप का भी होता है, एक बे ऑफ बंगाल में है और एक अरेबियन सी में है। तो आज घूमने जाता है ना आदमी तो दोनों में कंपैरिजन करता है। इसके अलावा अगर हम मैं बात करूं, आज कंपैरिजन ना लोग मैक्रोनी और पास्ता में भी करते हैं, दोनों मैदे से बनती है, बट पास्ता हैंडमेड बन सकता है, मैक्रोनी नहीं बन सकती, उसका भी कंपैरिजन करते हैं। आपकी लैंग्वेज में ही मैं आपको बताता हूं, आज अगर कंपैरिजन की बात करें तो तमिल और तेलुगु बोथ लैंग्वेजेस आर फ्रॉम सेम फैमिली, तमिल तमिलनाडु में बोली जाती है और तेलुगु जो है आंध्र प्रदेश तेलंगाना में बोली जाती है। इसके बाद अगर आप स्पेसिफिकली बात करोगे ना सर, प्रोजेक्ट के कंपैरिजन तो बनते हैं, आप समझें या ना समझें, आज स्पेसिफिकली देखें आप, ठीक है इट्स ओके टू डिसएग्री विद अस, बट यू कांट फोर्स योर सेल्फ टू बी राइट, दिस इज एक्चुअली द थिंग। मैंने क्या देखा है, आप तो वीडियो बनाते हो कि सारी चीज़ें आपकी ठीक है और सबकी गलत है, दिस इज़ नॉट द वे, दिस इज नॉट द वे, आई डिसएग्री विद यू एंड वेरी हम्बली आई डिसएग्री विद यू। इसके बाद आप एक बहुत अच्छी बात बोलते हो, आप कहते हो यार प्रोजेक्ट कौन सा अच्छा है, जो 2 से 3 साल पहले आया प्रोजेक्ट वो अच्छा है, आज कौन सा अच्छा है, जो आज है कल कौन सा अच्छा होगा, वो कल वाला होगा। तो ये लॉजिक मुझे नहीं समझ आया, कहाँ से आप लॉजिक लाते हो? आज मेरे से आप पर्सनली पूछोगे, मैंने DLF आर्बर में पैसा नहीं लगाया क्योंकि मैं एक प्रोजेक्ट की वेट कर रहा था, शायद वो 1 साल बाद आए या 2 साल बाद आए या 3 साल बाद आए, तो प्रोजेक्ट मेरे लिए वही अच्छा है। अगर मेरे को ऑबरॉयज चाहिए तो ऑबरॉयज मेरे लिए अच्छा है सर, ये कोई थ्योरी नहीं है, ये इलॉजिकल थ्योरी है। फिर मेरे को सबसे बड़ी बात क्या लगती है, मतलब आपका लॉजिक लॉजिकल, हमारा लॉजिक इलॉजिकल, ये कैसी बात हो गई? तो और तीसरा पॉइंट आपने क्या बोला, तीसरे पॉइंट में सबसे बड़ी बात मेरे को क्या लगती है, एक आप बहुत अच्छे लेवल पे बात करते हो श्रिंकफ्लेशन की, कि ब्योर आने वाले टाइम पे सारे कमरे छोटे हो जाएंगे, घर छोटे हो जाएंगे, आप लोगों को वही रूम लोडिंग ज़्यादा मिल जाएगी। सर जी ये मुंबई नहीं है, ये थ्योरी में भी मेरे को लगता है पता नहीं आपने घर पे बना ली। सर आज पिछले 2 साल से 3 साल से तो मैं रियल एस्टेट में देख रहा हूँ,
धीरे धीरे करके साइजेस बड़े हो रहे हैं, लोगों की इनकम बड़ी हो रही है, तो उन्हें लग्जरी फ्लैट चाहिए, स्टैंडर्ड चाहिए, लाइफ स्टैंडर्ड चाहिए। सर आज ना बॉम्बे में ज़रूर ज़मीन नहीं होगी, वहाँ श्रिंकफ्लेशन आपका चलता होगा, गुड़गांव में नहीं चलने वाला, गुड़गांव में आदमी और 5 किलोमीटर 10 किलोमीटर आगे चला जाएगा। ये थ्योरी भी मेरे सिर के ऊपर से निकल गई। फिर इसके बाद आप एक और बात करते हो, ये तो वही वाली बात होगी कि यहाँ से आलू डालोगे वहाँ से सोना निकलेगा, इस साइड से आलू डालो उस साइड से सोना निकालो। तो आपके लॉजिक मेरे तो कभी कभी सिर के ऊपर से जाते हैं, अगर आप लोग के भी सिर के ऊपर से जाते हैं तो नीचे कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताइएगा। फिर एक पॉइंट इन्होंने एक बात बोली कि और मैं ऐसी स्टोरी बनाओ जिसमें कोई छेद ना कर पाए, मैं अपनी स्टोरी में ही 50 छेद कर सकता हूँ। तो सर आपको याद दिलवा देता हूँ, याद दिलाऊं क्या आपकी स्टोरी में सबसे पहला छेद। आज M3M को इतना इनडायरेक्टली नेगेटिव बोलते हो, हालांकि ये एपिसोड से पहले भी आप नेगेटिव बोलते थे जो हुआ। सर याद है स्मार्ट वर्ल्ड का 89 का आप ही थे जिसने जूम किया था, और आपने ही अपनी बोली वाली जनता को जिस दीनदयाल फ्लोर जो 6000 रुपए के रेट में मिल रहे थे, जिसमें टेरेस भी था, जिसमें बेसमेंट भी थी, उन्हें वो दीनदयाल जनवास योजना के फ्लोर बेचे जिसमें ना टेरेस था ना बेसमेंट थी। तो सर आपको भी याद रखना पड़ेगा, स्टोरी में अगर छेद निकालने जाओ तो बहुत सारे छेद निकल जाएंगे। फिर आप याद करो सर माहिरा वाला टाइम, माहिरा जो का जो आपने 1 BHK बेचा, जो आपने बोला इससे सस्ता द्वारका एक्सप्रेस वे कुछ नहीं मिल सकता, सब कुछ पता था आपको माहिरा के बारे में। तब भी आपने माहिरा बेचा। देन थिंक अबाउट दैट Sector 3 गुड़गांव प्रॉपर्टी विच यू सोल्ड सेइंग टाइमलेस प्रॉपर्टी, वो भी आपको याद होगी। तो ये वाली स्टोरी में भी छेद है सर। फिर अभी रिसेंट की स्टोरी, ज़्यादा लंबी नहीं बोलता, रिसेंट की स्टोरी बता देता हूँ। जो आपने फरीदाबाद के और सोनीपत के प्लॉट्स बेचे हैं जो सेम रेट पे हैं, जितने में खरीदे हैं उतने रेट पे हैं। फिर आपने बोला कि गुड़गांव में मेट्रो नहीं आएगी, ये 16 तारीख को हो गया जी इनॉग्रेशन, फाउंडेशन स्टोन भी डल गया। तो जो इंफ्रास्ट्रक्चर रिलेटेड जितनी आपकी प्रेडिक्शन थी सबके सामने है सर। झूठ बोलो, बार बार झूठ बोलो, जो भी बोल सकते हैं सब झूठ बोलो, जहां भी बोल सकते हैं झूठ बोलो। ठीक है आप बोलते अच्छा हो, बट इसका मतलब ये नहीं है कि आपकी स्टोरी में कोई छेद नहीं कर सकता। सबसे बड़ी बात आती है आज 16 फरवरी का आपका जूम सेशन, जिसमें आपने 30 लाख रुपए का प्रीमियम लगेगा अफोर्डेबल, वो भी सर हाल फिलहाल के दिन की बात है, उसमें भी बड़े छेद हैं। तो कहीं ना कहीं यू डू द इजीएस्ट सेलिंग, आपको पता है आराम से जूम पे बैठना है, आराम से जूम पे बैठ के 100-150-200 लोगों को आराम से बुलाना है, उसमें बस 15 सेल करनी है और काम हो गया। तो छेद जितने निकालने जाएंगे सर सारे छेद आ जाएंगे। अल्टीमेटली कंक्लूजन पे आऊँगा मैं, आज आपने किसी के बिजनेस में अपनी ना कढ़ाई तो शायद ये वीडियो बनानी पड़ी। यू शुड रिस्पेक्ट एवरी सिंगल क्रिएटर। आज हम कुछ अलग करने की कोशिश कर रहे हैं, तो डोंट पुट फिंगर ऑन समवन, यू शुड रिस्पेक्ट इट। आज आपसे भी कई चीज़ें हमने सीखी होंगी, बट शायद कई चीज़ें नहीं भी सीखी होंगी, उसके बारे में नहीं बोला। आई डिसएग्री ऑन मेनी थिंग्स विद यू, बट पब्लिकली आई हैव नेवर सेड समथिंग, सो दिस वॉज अ वेरी वेरी नॉर्मल रिप्लाई। ना कंपेरिजन वीडियो रुकेगी, कंपेरिजन तो होगा और नॉन स्टॉप होगा, कोई फुल स्टॉप नहीं लगा सकता। इसके बाद भी अगर आपको लग रहा होगा कि आप किसी और की स्टोरी में और छेद निकालना चाहते हैं, तो सर मेरे भी बहुत सारे बाकी हैं। तो अगली वीडियो अगर आप चाहेंगे बनाना तो आई विल बी विलिंगफुली वेटिंग फॉर योर रिप्लाई। आप लोगों को क्या लगता है, कोई भी लोग इनकी जितनी सास बहू और साजिश वाली वीडियो, ज्योतिष विद्या वाली वीडियो, उसके ग्रहों के चाल वाली वीडियो पे अगर आपको कहीं से मिसगाइड किया गया तो नीचे कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताइएगा। आई रियली वॉन्ट टू लिसन योर स्टोरी, आपने इनकी वीडियो देखकर कहां कहां आप मिसगाइड हुए ज़रूर बताइएगा। सो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, थैंक यू सो मच।